अस्सलामुअलैकुम। आज हम पढ़ेंगे क्लास 5 की इंग्लिश, यूनिट नंबर 3, माय विलेज। हम इसकी रीडिंग कर चुके हैं, अब हम इसका काम करेंगे। अपनी इंग्लिश की कॉपीज निकालिए, लाइन ड्रॉ करें, टाइटल पेज बनाएं। सबसे पहले आप वर्ड्स मीनिंग करेंगे, मैं पढ़ रही हूँ, आप मेरे साथ पढ़िएगा। विलेज, गांव, पॉपुलेशन, आबादी, लोगों की तादाद, ऑक्यूपेशन, पेशा, काम, ज़रिए माश, फार्मिंग, खेती बाड़ी या फिर फसल उगाना, प्राउड, फ़खर, फार्मर, किसान, एग्रीकल्चर, ज़राअत, बैकबोन, रीढ़ की हड्डी, फेमस, मशहूर, फोर फादर्स, बाप दादा और उनके वालदैन, श्राइन, मज़ार, फेवरेट, पसंदीदा, अनपेव्ड, कच्ची, एल्डरली, पहले, डिस्प्यूट, मसला, झगड़ा, मेंबर, अरकान, हॉली रिचुअल्स, मजहबी रस्में, प्रेयर्स, नमाज, सिंपल, सादा, हार्ट, मुश्किल, गेट्स अप, उठना, अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह सवेरे, ब्लो द कर्ड, दही बनाना, हारमोनियस, मिलजुल कर, प्लॉगिंग, हल चलाना, सनराइज, सूरज निकलना, मड हाउसेस, मिट्टी के घर, ब्रिक्स, ईंटें, सप्लाई, फराहम करना, मीट, गोश्त, बटर, मक्खन, स्वीप, झाड़ू देना, फूडर, चारा, डिग्निटी ऑफ लेबर, मेहनत की अजमत, और ऑफ नीड, ज़रूरत के वक्त। फिर आप क्वेश्चन आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मच ऑफ द पॉपुलेशन इन पाकिस्तान लिव्स इन विलेज, कितनी आबादी पाकिस्तान की देहात में रहती हैं। अबाउट 75% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान लिव्स इन विलेज, यानी तकरीबन 75% आबादी देहात में रहती हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट टाइप ऑफ कंट्री इज पाकिस्तान, पाकिस्तान किस टाइप की कंट्री है। बेसिकली पाकिस्तान इज़ एन एग्रीकल्चर कंट्री, पाकिस्तान जो है वो एक ज़राअत की कंट्री है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ असलम्स विलेज, असलम के गांव का क्या नाम था। द नेम ऑफ असलम विलेज इज़ नूरपुर शाहान, असलम के गांव का नाम नूरपुर शाहान था। हु सप्लाइज फूड टू द नेशन, कौम को जो है वो ग़िज़ा कौन देता है, फूड यानी खाना फराहम कौन करता है। फार्मर वर्क्स हार्ड टू सप्लाई फूड टू द नेशन, यानी किसान जो है वो कौम को जो है वो खाना सप्लाई करती है। व्हाट इज़ पंचायत, पंचायत इज़ अ ग्रुप ऑफ एल्डरली मैन ऑफ द विलेज हु सेटल द डिस्प्यूट ऑफ विलेज, पंचायत जो है वो बड़े बुजुर्गों का एक ग्रुप होता है जिसमें वो लोग गांव के जो है वो मसले हल करते हैं। हाउ डू द विलेज वुमेन रेज द इकॉनमी ऑफ द हाउस, गांव की जो औरतें हैं वो कैसे मईशियत घर की जो है वो मईशियत बढ़ाती हैं। दी वुमेन ऑफ द विलेज वर्क हार्ड शी रेयर कैटल एंड पोल्ट्री टू रेज द इकॉनमी ऑफ द हाउस, गांव की जो औरतें होती हैं वो मवेशी और मुर्गियां वगैरह पालती हैं घर की मईशियत बढ़ाने के लिए। वॉट इज़ द हेड ऑफ पंचायत इज़ कॉल्ड, पंचायत का जो हेड होता है वो क्या कहलाता है। द हेड ऑफ पंचायत इज़ कॉल्ड सरपंच, हेड का जो पंचायत का जो हेड होता है वो सरपंच कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ द चीफ ऑक्यूपेशन ऑफ विलेज पीपल, गांव के लोगों का जो है वो मेन पेशा क्या है। द चीफ ऑक्यूपेशन ऑफ द विलेजर्स इज़ फार्मिंग, गांव के लोगों का जो मेन पेशा है वो फार्मिंग यानी कि खेती बाड़ी है। अब हम करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर 1, आई एम प्राउड ऑफ डैश, मुझे जो है वो फ़ख्र है कि मैं डैश हूँ। फिल इन द ब्लैंक्स आप खुद फिल करेंगे। नंबर 2, माई विलेज इज़ फेमस बिकॉज ऑफ द श्राइन ऑफ डैश, मेरा गांव जो मशहूर है डैश की मज़ार की वजह से। नंबर 3, डैश इज़ द ग्रुप ऑफ एल्डरली मैन, नंबर 3 बता रहे हैं कि डैश जो है वो ग्रुप है बुज़ुर्गों का यानी बड़े लोगों का। नंबर 4, मोस्ट ऑफ द विलेजर्स लिव इन डैश, गांव के बहुत से लोग डैश में रहते हैं। नंबर 5, विलेजर्स लीड अ डैश एंड डैश लाइफ, गांव के लोग जो है वो डैश और डैश जिंदगी गुजारते हैं। अब आप ट्रू फॉल्स करेंगे। द नेम ऑफ द बॉय इज अली, इस स्टोरी में जो बॉय है उसका नाम अली है, सही या गलत ये आपने फिल करना है। नंबर 2, अबाउट 75% ऑफ द पॉपुलेशन इन पाकिस्तान लिव्स इन विलेज, करीबन 75% आबादी जो है वो पाकिस्तान की गांव में रहती है। द नेम ऑफ द विलेज इज़ नूरपुर शाहान, गांव का नाम नूरपुर शाहान था। द हेड ऑफ द विलेज इज़ कॉल्ड MNA, गांव का हेड जो होता है वो MNA कहलाता है। चिल्ड्रन ऑफ द विलेज लर्न द होलीक्रॉन फ्रॉम MNA,
गांव के जो लोग हैं वो कुरान पढ़ते हैं एमएनएस से, सही या गलत ये आपने बताना है। अब आप करेंगे सेंटेंसेस, वर्ड सेंटेंस, यहाँ वर्ड्स लिखे हुए हैं, सेंटेंस आपने खुद बनाना है। ऑक्यूपेशन मीन्स पेशा, हारमोनियस मिलीजुली या फिर मिलकर, बैकबोन का मतलब रीढ़ की हड्डी है लेकिन यहाँ आप इसकी मीनिंग ताकत में लेंगे, विलेज मतलब गांव, फूड मतलब खाना। अब नीचे यहाँ आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है हैव यू एवर विजिटेड द कंट्री साइड, राइट सिक्स सेंटेंसेस अबाउट योर विजिट, ऑल्सो ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ अ फील्ड सराउंडेड बाय माउंटेन्स एंड अ फ्लोइंग रिवर। यहाँ पे ये बताया कि अगर आप कहीं कंट्री साइड पर या किसी गांव वगैरह अगर आप घूमने गए हैं तो उसके बारे में आपने 6 जुमले लिखने हैं और साथ में आपको उसकी पिक्चर भी बनानी है, किसी खेत की, माउंटेन्स की यानी कि पहाड़ियाँ, या फिर बहते हुए पानी की, दरिया की। ठीक है, ये काम आपको करना है, ये वर्कशीट आपको स्कूल से मिल जाएंगी। थैंक यू।